फिर मेरे आला हजरत ने लिखा है कि जिस तरह आप अपने छोटों को कहते हैं ना पुत्र तू पास हो गया बड़ी बात है, जिस तरह आप अपने मातहत से कहते हैं ना जी बड़ा अच्छा काम किया है जी आपका इनाम बनता है, इस तरह फरमाते हैं कि जब कोई बच्चा नमाज पढ़े तो फिर भी उसे शाबाशी दो, कुरान पाक पढ़े तो फिर भी उसे शाबाशी दो, जब कोई खैर का काम करे तो हौसला अफजाई करो। हमारे यहाँ लोग हौसला शिकनी करते हैं, बेटे तूने अभी दाढ़ी रख ली है, तेरी कौन सी उम्र है दाढ़ी रखने की? तो मैंने कहा आप बता दें भला किस उम्र में रखनी चाहिए। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो उनके वालदैन से कभी मिलता हूँ तो कहते हैं जी हमें लोग कहते हैं कि ये आलिम बनने के बाद फिर भला किधर जाएगा। तो मैंने कहा आप इसे बताएं, इसे दुनिया नौकरी दे ना दे मदीने वाले रसूल की नौकरी जरूर करेगा अल्लाह के फजल। हाँ, और इंशाल्लाह ताला कोई इसे मिंबर बनाए ना बनाए मेरे रसूल इसे अपना मिंबर अता करेंगे, ये मुसल्ला रसूल पे खड़ा होगा। ये कोई छोटी नौकरी है, आप इसको छोटी नौकरी जानते हैं? तो लोग बजाय कहने के कि बड़ी बात है तूने बेटा दीन पे लगाया, कहते हैं जी फिर कमाएगा कैसे? और मैंने कहा दुनिया में सबसे अच्छी रोटी मौलवी खाता है, मैं आपको तजर्बे से कह रहा हूँ, सबसे अच्छे कपड़े अल्लामा साहब पहनते हैं, अब क्या बात करते हैं। तो अदब एहतराम और हौसला अफजाई करें, कहें क्या बात है ये आप करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी, ये करके देखें आप। आला हजरत फाजले बरेलवी कहते हैं कि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सहाबा की दीनी कामों में हौसला अफजाई करते थे, ये तालीम है आला हजरत की, हौसला अफजाई करें अच्छे काम में, शाबाशी दें। फरमाते हैं हुजूर रात को मस्जिद में आए, ये मेरे आला हजरत ने लिखा है, एक दफ़ा तशरीफ़ ले गए सरकार इशा पढ़ा के तो वापस आए तो मस्जिद में आए तो नबी पाक ने देखा कि तीन बंदे मस्जिद में बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तीन बंदे मस्जिद में बैठ के कुरान पाक पढ़ रहे थे, एक हज़रत बिलाल हबशी, एक सैयदना फारूक आज़म और तीसरे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, तीनों कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ना हुज़ूर ने किसी से बात नहीं की, बस करीब गए तो देखा हज़रत सिद्दीक अकबर बड़ा आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक पढ़ रहे हैं, फिर हुजूर हज़रत उमर के पास गए तो देखा फारूक आज़म बड़ी ऊंची आवाज़ में तिलावत कर, फिर हुजूर सैयदना बिलाल हबशी के पास गए तो देखा वो मुख्तलिफ सूरतों में से थोड़ी थोड़ी आयतें, किसी सूरत की दो चार आयतें फिर तीसरी की फिर चौथी, इस तरह करके वो पढ़ रहे। सरकार ने कुछ नहीं कहा, घर आ गए। फजर की नमाज के बाद हुजूर ने बुलाया, क्या अंदाज़ है मेरे महबूब का, एक सिमत अली एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान उधर, भला इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और जब सुन सुन के सहाबा की बातें लोग मुसलमा होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। और हर कोई फिदा है बिन देखे, बताओ दीदार का आलम क्या होगा। आला हजरत बरेलवी लिखते हैं कि रात को कुछ नहीं कहा, सवेरे हुजूर ने तीनों को बुलाया फजर के बाद और करीम महबूब फरमाने लगे, अबू बकर बड़े आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह जिस रब को मैंने सुनाना है वो आहिस्ता भी सुनता है। हुजूर ने फरमाया तेरी बात बड़ी प्यारी है, क्या बात है तेरी बात की, उमर तुम बड़ा ऊंचा पढ़ रहे थे। अर्ज की हुजूर मेरे दिल में बात थी कि जरा ऊंचा पढ़ूं, जो सो रहे हैं वो जाग जाएं और शैतान भाग जाए, इसलिए कि वो तिलावत सुन के भाग जाता है। हुजूर फरमाने लगे क्या बात है तेरी बात की भी, तू भी खैर पे है। बिलाल आप चुन चुन के आयतें पढ़ रहे थे। अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह कुछ कुछ आयतें मुझे बड़ी महबूब हैं तो मैं जगह जगह से पढ़ के गुलदस्ता बना रहा था। हुजूर ने फरमाया तेरी इस बात की भी क्या ही बात है, हौसला अफजाई करना। अब सरकार ने ना इनको नसीहत फरमाई, फरमाया अबू बकर तुम थोड़ा सा ऊंचा पढ़ लिया करो, उमर तुम थोड़ा आहिस्ता कर लो, और बिलाल तुम इस तरह करो कि एक सूरत मुकम्मल करके ना फिर दूसरी पढ़ा करो। तो अच्छे कामों में हौसला अफजाई करें।